भाई साहब एलसीडी फाइनली लग चुका है गाड़ी पे, देख सकते हैं यहाँ पे एलसीडी लगा हुआ है और हमारा इसमें चल रहा है व्लॉग। ये देखिए, तो इसमें देखिए बेस्ट्यू लगा, ये हमारा अमित भैया गाड़ी है और अभी छोटू भाई के अंडर में है, तो इसमें बेस्ट्यू लगा हुआ है और बेस्ट्यू का आवाज देखिए, ये देखिए। इसको लगवाने में टोटल पता है कितना खर्चा आएगा? मान के चलते अगर ये हम नहीं लगवाएंगे ना बाजा, तो सिर्फ और सिर्फ एलसीडी और इसमें जो म्यूजिक सिस्टम लगा है उसको लगवाने में, मतलब बेस्ट्यू लगाने में और स्पीकर लगाने में टोटल भाई एक्सप्रेस पत्ता गोभी एक्सप्रेस मुंबई मुंबई 40 सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू व्लॉग में। सुबह सुबह पहाड़िया मंडी पहुंच चुके हैं और अपनी गाड़ी पीछे लगा हुआ है। आज भाई पहाड़िया मंडी में बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 भाई आ जाए नारियल पानी लेने के लिए पहाड़िया मंडी। सुबह सुबह छोटे वाले भाई को भी साथ में लेके आए हुए हैं, छोटा वाला भाई गया हुआ है ट्रक के ऊपर, तो अभी हमको बुला रहा है फोन करके, भाई आगे आ जाओ। टोटल 15 गाड़ी लगा हुआ है, नारियल पानी का रेट गिर गया है, 40 रुपये का बिक रहा है भाई होलसेल में। वेस्ट बंगाल से मंगाने का जरूरत नहीं है, यहीं से खरीदो और यहीं भेज दो। देखो इधर भी दिख रहा होगा, 1 2 3 4 पीछे 1 5 उसके पीछे 1 6 मतलब 5 6 गाड़ी इधर है, 6 गाड़ी इधर है, 12 गाड़ी से हो गया और 3 4 गाड़ी इधर है। देखो एक लाइन से 3 4 गाड़ी है, अभी 3 4 गाड़ी और आगे भी है, दिखाते हैं आप लोगों को। भाई आपके यहाँ पे नारियल पानी कितने का मिलता है कॉमेंट करके जरूर बताना। ये देखो हमारा भाई क्या हाल है, बढ़िया। और ये देखो नारियल पानी इधर इधर, इसके आगे भी एक गाड़ी लगा हुआ है। भाई जो बंगाल का नारियल पानी है ना पहाड़िया मंडी में कोई पूछ नहीं रहा है, 30-30 रुपए का होलसेल में यहाँ बिक रहा है, ठीक है। और बंगाल में 38 रुपया 35 रुपया 36 रुपया का बंगाल से खरीद के आ रहा है माल, तो ये तो खैर बैंगलोर माल है, बैंगलोर में थोड़ा ज़्यादा पानी निकलता है, इसलिए देखो तो बैंगलोर माल यहाँ पर रुक नहीं रहा है, फटाफट करके बिक जा रहा है। लेकिन अभी वहाँ पे बंगाल गाड़ी खड़ा है, लेकिन बंगाल गाड़ी पूरा पूरा खड़ा ही है, उसका माल कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। नारियल पानी लोडिंग करवाने में हालात आपके भाई का हो चुका है पूरा खराब, देख सकते हैं ये देखिए पीछे पूरा नारियल पानी लोडिंग कर लिया है, अभी जा रहे हैं दुकान पे उतार के, अभी जाना है बहुत सारा काम है। पोषण को भी मैंने बुला लिया दुकान पे, जो भी काम है गाड़ी का उसको भी आज करवा के कम्प्लीट रखना है, क्योंकि दुर्गा पूजा बाद फिर हम लोग निकलेंगे लंबे टूर पे, तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा है कि पूरा जो काम है उसको करवा लेते हैं। आज भाई बनारस के अंदर जाम नहीं है, लेकिन रात होते ही भयंकर जाम लगने वाला है। तो भाई आ चुके अपने दुकान पे और इधर पोषण भी आ चुका है सुबह सुबह, कैसे हो भाई? और अभी गाड़ी फटाफट खाली करवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं, जो भी गाड़ी का काम करवाना है काम करवाने के बाद फटाफट आएंगे घर। तो नारियल पानी खाली करवा के हम लोग निकल चुके हैं अभी गाड़ी बनवाने के लिए। तो ये रामनगर मार्केट है, भीड़ भाड़ है, अभी दोपहर का टाइम है, दिखा दो भाई। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं गैरेज पे अपने और यहीं पे काम करवाएंगे। जाओ 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 जाओ। फिलहाल पोषण क्या ठंडा पानी लेने के लिए गाड़ी को साइड में इधर लगा दिया है। अरे लंबू भैया थोड़ा ब्रेक अगर काम करना तो कर देंगे। तो भाई साहब काफ़ी बिजी है क्योंकि आज एक गाड़ी दो गाड़ी तीन गाड़ी तीनों गाड़ी लेके फंसे हो भैया, तो उसी में थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा भी कर दीजिएगा भैया, ठीक है। गाड़ी का काम हो चुका है चालू, इधर पोषण है। तो पोषण का जब मैंने तनख्वाह दिया था उसे आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था, एक भाई ने कमेंट ये किया था कि भाई पहले बोलो पोषण को क्या कम पढ़े देना बताओ, बोलो पान खाने के लिए छोड़ने के लिए बोले। तो चलो भाई खाने देते हैं इसको, हम मना नहीं करते ज़्यादा क्योंकि पानी खाता है गुटखा खाता है, चलो मना करते। और देखो धूम्रपान वैसे तो आप लोग को मना करते ही हैं, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो खैर पान खाता है इसलिए हम ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। और इधर अपने गाड़ी का काम भी चालू है भाई, अभी खोल रहा है टायर। भाई अमित भैया को आप लोग जानते होंगे, जो अमित भाई हमारे हैं वेस्ट बंगाल गए हुए थे, हम लोग फंसे हुए थे क्या, अरे इधर देख लो। हेलो गाइस। तो एक्चुअली अमित भैया के जो पिताजी हैं, अमित भैया के पिताजी गुजर गए हैं, तो इसीलिए अमित भैया ने अब पिकअप लाइन छोड़ दिया है, तो अमित भैया का पिकअप छोटू भाई ले चुके हैं, तो फिलहाल छोटू भाई ये अपने माल में चला रहे हैं अमित भैया का पिकअप को, तो छोटू भाई से मुलाकात करवाते हैं अभी आप लोगों को। और ये भाई EX गाड़ी, जैसे कि आप लोगों को बताया था एक बार कि भाई इस गाड़ी का मजबूती का बात ही कुछ निराला है, तो इसमें देखिए 407 का पीछे का पूरा सिस्टम लगा दिया गया है और इस गाड़ी से भाई ढोया जाता है भूसा, भूसा के लिए पूरा अलग से इसमें लगाया गया एंगल, ताकि बॉडी मजबूत रहे, बॉडी इधर उधर टेढ़ा ना हो, गाड़ी झोल ना मारे। और ये इसलिए लगाया गया है कि ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोडिंग करके लोकल में जाया जा सके। ये देखिए पूरा लगा है 407 का और गाड़ी का लुक पूरा ऐसा है, ये देखिए, तो इसमें भूसा का पूरा काम होता है और ऊपर देखिए पूरा लगा हुआ है सीढ़ी और इसमें है बहुत सारा आइटम।
छोटू भैया बताइए, जो अमित भैया की गाड़ी लिए हैं, अरे काहे चुप रहे मालिक, जो अमित भैया गाड़ी लिए हैं तो अभी क्या है, मतलब उनके पिताजी तो गुजर गए, तो अभी गाड़ी चलाने का मूड उनका है कि या फिर छोड़ दिए हैं? अभी नहीं चलाएंगे। अभी नहीं चलाएंगे, कितना दिन बाद चलाएंगे? मतलब अभी नहीं चलाना है उनको, मतलब कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है तो आप भी है उनके पिताजी। हाँ हाँ वो तो पता है, तो अभी दुकान पे ही अमित भैया ना। तो ये अमित भैया के खास मित्र हैं, और अमित भैया को गाड़ी कौन सिखाया था? छोटू भैया सिखाया था अमित भैया गाड़ी, तो इसी वजह से जो अमित भैया गाड़ी है वो छोटू भाई के पास में भी है। तो भाई ब्रेक खुलना अपना हो चुका है चालू, तो इधर का ब्रेक सही हो चुका है, तो अभी भाई चक्का लगाने जा रहा है। भाई साहब LCD फाइनली लग चुका है गाड़ी पे, देख सकते हैं यहाँ पे LCD लगा हुआ है, और हमारा इसमें चल रहा है व्लॉग, ये देखिए इस पे हमारा अभी व्लॉग चल रहा है, तो देख सकते हैं भाई सेम है तैयार। स्वागत करते हैं सबका एक और न्यू व्लॉग में, फिलहाल अभी हम आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं इसमें सिस्टम क्या क्या लगा है। भैया एक मिनट हटाइए इसको, ये हटाइए, इसको भी हटाइए, पोस्टर इसको बाहर निकालना भाई धीरे से, आपको दिखाएंगे भाई हैरान होने वाले हैं देख के। ये देखिए भाई साहब, ये एक्चुअली गाना अभी इसलिए नहीं बजा रहे क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, तो इसमें देखिए बेस्ट्यू लगाई, हमारा अमित भैया गाड़ी है और अभी छोटू भाई के अंडर में है, तो इसमें बेस्ट्यू लगा हुआ, और बेस्ट्यू का आवाज देखिए, ये देखिए ये 8 इंची वाला बेस्ट्यू है, और यही सेम चीज अपने गाड़ी में हम लगवाने वाले हैं, क्योंकि हमने इसलिए ही बनवाया है, हमारा भी देखे होंगे आप ये बनवाए हैं, और ये सीट भी अपना लग चुका है, तो इसी वजह से अपना स्पेस बनवाया है ताकि हमारे गाड़ी में अंदर सामान रख सके, हम बेस्ट्यू लगा सके, बाजा लगवा सके, और एक ऐसा LCD भी लगवा सके। देखिए इसमें बज रहा है इसमें, और हमारा ब्लॉग चल रहा है और इधर लगा हुआ है। भाई गाना इतना मस्त इसमें बज रहा था ना, अभी मैंने सुना है, मतलब लगाने के बाद रात को नींद तो आएगा ही नहीं। इसको लगवाने के बाद भाई आपको ITO से कागज बनवाना पड़ता है, कागज आप बनवा लेंगे तो कोई आपको पुलिस वाला परेशान नहीं करेगा। हालांकि इसमें बाजा लगा हुआ है, बाजा का काम अभी नहीं है, ये डायरेक्ट एंड्रॉयड LCD है, LCD से ये अपना बज रहा है बेस्ट्यू। इसको लगवाने में टोटल पता है कितना खर्चा आएगा? मान के चलते अगर ये हम नहीं लगवाएंगे ना बाजा, तो सिर्फ और सिर्फ LCD और इसमें जो म्यूजिक सिस्टम लगा उसको लगवाने में, मतलब बेस्ट्यू लगाने में और एक स्पीकर लगाने में टोटल भाई 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। बाकी देखते हैं हमको कितने में मिलता है, हमको तो थोड़ा सस्ता मिलेगा क्योंकि हमारा दोस्त का वहाँ पे दुकान भी है। तो चलिए पहले अभी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अब अगले ट्रिप में हम सोच रहे हैं कि 100% अपने गाड़ी में इसको कंप्लीट करवा ही लेते हैं। हम तो मस्त बैठे हुए हैं, पोस्टर चला रहा है गाड़ी, और हम लोग जा रहे हैं इधर घर की तरफ आगे। भाई पत्ता गोभी एक्सप्रेस मुंबई 40। तो फाइनली अपने कॉलोनी पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं थोड़ा सा आराम करते हैं क्योंकि शाम को जाना है अपने वाइफ के साथ, अपने भाई के साथ में घूमने के लिए, और पोषण भी अपने वाइफ के साथ और पोषण भी जाएगा घूमने के लिए, तो मिलते हैं अब डायरेक्ट शाम को। तो भाई साहब अभी रात का 7 बज रहा है और हम लोग गाड़ी बनवा के घर पे आ चुके थे, इधर है शालू तैयार हो गई है दुर्गा पूजा घूमने के लिए। मेरा बेटा वहाँ पे सोया हुआ है, बेटा को लेके नहीं जाएंगे क्योंकि बेटा को मम्मी जी ने घुमा दिया। वायरल बहुत ज्यादा चल रहा है तो बच्चों को लेके बाहर जाने लायक नहीं है, और दुर्गा पूजा का समय चल रहा है तो बहुत ज्यादा भीड़ है। हाँ तो अभी हमने टी शर्ट वाला पहना है तो ये अच्छा लग रहा है, या फिर अभी एक कुर्ता भी मैंने लिया था बहुत पहले उसको पहन के चेक करते हैं वो कैसा लग रहा है। ठीक है तो आप लोग कमेंट करके बाकी बताना ये अच्छा लग रहा है या फिर कुर्ता अच्छा लग रहा है, तो कैसा लग रहा है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। ये एक्चुअली सिलवाया हुआ नहीं है, रेडीमेड खरीदा हुआ था अपना, तो लग कैसा रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कौन सा क्या लग रहा है, उसके बाद फिर अगर टी शर्ट पहन के जाना तो टी शर्ट पहन के जाएंगे, नहीं तो फिर यही कुर्ता पहन के चलेंगे। कैसा लग रहा है सालू तुमको बताओ? हमको तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हाँ फेस्टिवल के हिसाब से ठीक है। चलो गुड मॉर्निंग आप सबको। तो ये नेक्स्ट डे, मतलब हम लोग गए मेला घूमने के लिए, घूम के चले आए, तो अभी पोषण भी आ चुका सुबह हम लोग
एक्चुअली बाइक से कहीं पे निकल रहे हैं तो इधर पोषण है, ठीक है। गुड मॉर्निंग आप सबको। और कल तुम्हारे वाइफ तुम्हारे साथ क्या किया था बता दो फेस पे। तो इसको भी गोरा बना दिया गया था, वैसे तो ये लौंडा गोरा ही है, ठीक है, लेकिन और इसको गोरा बना दिया गया था। तो चलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं और इधर अपना भैरव भी तैयार है, निकलते हैं। और इंडिकेटर भी इसका टूट गया है, हो सके तो आज जाएं कंपनी में इसका इंडिकेटर भी लगवा ले, चेंज करवाना है क्योंकि ये टूट चुका था यहाँ पे। तो हम लोग गए थे इंडिकेटर बनवाने, लेकिन भाई साहब दुकान ही नहीं खुला है और जाना पड़ेगा इसके लिए शोरूम। तो अभी हम चल रहे हैं घर, होटल भी जाएगा घर, क्योंकि बहुत सारा थोड़ा सा काम था, डिले कर दिया इसलिए मैंने। हाँ, अभी हम लोग को टूर पर भी निकलना है, आप देखते हैं भाई कहाँ का टूर कन्फर्म हो पाता है। कल करीब हमने बात किया हुआ है, अगर कन्फर्म हो जाएगा तो निकल चलेंगे। तो फिलहाल पोषण जाएगा और हम जाएंगे अपने घर, आराम करते हैं थोड़ा सा, इधर और करते हैं। तो भाई बुकिंग भी कन्फर्म हो चुका है, अभी निकलना है हम लोग को लोडिंग के लिए। पोषण भी आ चुका है, मतलब दुर्गा पूजा हम लोगों ने मना लिया, दुर्गा पूजा खत्म भी हो गया। अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किया लेकिन अपलोड हो जाएगा आज। तो पोषण आ चुका है, पोषण गाड़ी के पास में, चाबी मेरे पास है लेकिन यार। तो अभी हम लोग को निकलना है, कहाँ पे वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा क्या है कि गाड़ी का साफ़ सफाई भी करना है, गाड़ी चार दिन से घर पे ही खड़ा है भाई। घर पे खड़ा रहे तो खड़ा रहता है, लोकल नहीं चलते हम, ठीक है, नहीं लोकल एकदम नहीं चलना है हमें। लोकल इसलिए नहीं चलते हैं कि कोई बचत समझ में नहीं आता है। इधर पोषण कपड़ा लेके आ चुका है घर से, ये देखो पूरा परिवार के साथ में एकदम मस्त मनाया, मस्त घूमा। दुर्गा पूजा कैसा आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो चाबी, ठीक है पोषण, थोड़ा सा गाड़ी साफ करो, तुरंत हम आ रहे हैं, ठीक है। तो पोषण अभी गाड़ी को थोड़ा पोछेगा और हम जा रहे हैं घर पे कपड़ा चेंज करने के लिए, उसके बाद तुरंत निकलना हम लोगों को, क्योंकि आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पूरा पता चलेगा कहाँ पे जा रहा है लोडिंग करके। सो मिलते हैं थोड़ा देर बाद। तो बीडीएम भाई अभी घर चला गया है, अभी थोड़ा गाड़ी का साफ सफाई कर लेते हैं क्योंकि चार दिन से गाड़ी खड़ा है, बहुत गंदा हो गया है। हम आ चुके हैं रेडी होने के बाद, अपना बैग वगैरह सब रेडी हो चुका है, पोषण का ऑलमोस्ट गाड़ी साफ भी हो चुका है। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं एंड इस ब्लॉग को भाई अब एंड कर रहे हैं, क्योंकि काफी छोटा ब्लॉग है, बड़ा ब्लॉग आप लोगों के लिए बना नहीं पाया, सॉरी उसके लिए। तो काफी छोटा ब्लॉग है, ब्लॉग कैसा लग रहा है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इधर है पोषण का अपना सामान है, तो पोषण भी साथ में जाता है, तीन दिन चार दिन बाद हम लोग आते हैं। तो भाई अब देखो नवरात्र हो चुका है खत्म, मतलब दुर्गा पूजा खत्म हो चुका है, तो अब भाई चिकन स्पेशल भी बनने वाला है अपने गाड़ी में और बनाएगा पोषण, ठीक है, बनाओगे ना भाई? तो चलिए अब अगर बंगाल में गाड़ी होल्डिंग हो जाता है, लोडिंग नहीं होता है, तो हम लोग अच्छे अच्छे चीजें बना के खाने वाले हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाले हैं। और जरूरी नहीं कि अच्छा चीज हो तो भाई वो चिकन मटन ही हो, कुछ अलग भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम लोग चिकन मटन खाएंगे तो ही अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, चिकन मटन से भी हट के कुछ अच्छा चीजें होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस। प्यार में सपोर्ट ऐसे ही बना रखिएगा, क्योंकि आपका मेहनत कर आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ब्लॉग अपने चैनल पर लेके आता रहेगा। एंड मिलते हैं अलग वीडियो, तब तक के लिए टाटा।